घाटी में आतंकियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आतंकियों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आतंकी पुलिस वालों के घर में घुसकर उन्हें धमकी देने लगे हैं। दक्षिण कश्मीर में शोपियां में आतंकी 3 पुलिसकर्मियों के घर में घुस गए और उन पर हमला करते हुए नौकरी छोड़ने की भी धमकी दी। आतंकियों ने कहा कि या तो वो नौकरी छोड़ दें या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। घाटी में आतंक के बढ़ते साए में इन दिनों पुलिस वाले भी आ रहे हैं। आतंकी अब सीधा पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। बीते 3 दिनों में यह तीसरा मौका है जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला कर दिया। शनिवार को ही आतंकियों ने पुलवामा के त्राल इलाके से स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुदस्सिर अहमद लोन को अगवा कर लिया था और उनकी पिटाई की थी। आतंकियों ने लोन को भी पुलिस की नौकरी छोड़ने की चेतावनी देकर छोड़ा था। लोन जम्मू कश्मीर पुलिस में कुक के तौर पर काम करते हैं। यही नहीं, रविवार को आतंकियों ने पुलवामा जिले के नैरा में सीआरपीएफ जवान नसीर अहमद की उन्हीं के घर पर हत्या कर दी थी। घाटी में पुलिस कर्मियों के अपहरण और हत्या की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 40 सुरक्षा कर्मी, 17 सैनिक, 20 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवानों की हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। तो घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी घबराहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि घाटी में आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ सेना के जवानों को इस मुकाम तक पहुंचाने की देरी है और वो दिन दूर नहीं जब घाटी में आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।